नमस्कार सर। नमस्कार। अपने के मिथिलांचल एफएम के स्टूडियो में स्वागत है। अपने के सेहो स्वागत। अपने राज्य परिषद के सदस्य रह चुकल छे और माबी प्रथम श्रेणी के शिक्षक से रिटायर भेलिए, रिटायर भ गेल छे। अखन राष्ट्रीय मधेसी संघ के अध्यक्ष से हो छे। जी, और अखन जे देखल जा रहल है, जे पहले से अनुमान कल जाय छली कि प्रदेश नंबर 2 में कोरोना से बेसी संकट आवे वाला है। जी, जे एगो अंदाज कल गेल रहे जे ये प्रदेश नंबर 2 के बहुत आदमी गल्फ में है, गल्फ में कोरोना छिड़ गेल है ताहि के कारण से। लेकिन इंडिया के मात्र अन्य तो ये ठाम लगभग 40% पूरे नेपाल के संक्रमित भ चुकल है और कतौ कोनो व्यवस्था नहीं देखल जा रहा है। जे जटी बॉर्डर पर एक गोटे मरियो गेले, अबे आदमी ये ठाम पता नहीं रहे, क्वारंटाइन में रह लगे आदमी, अब क्वारंटाइन के व्यवस्था ना है, आइसोलेशन में जे हॉस्पिटल सब के व्यवस्था है, ते में खाना पीना नहीं पुग रहा है। और जे मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहा है कि हमरा सब के पाई नहीं पुग रहा है, कतौ खाली भ्रष्टाचार के बात सब आब रहा है, से कतौ ये सब दिखाई नहीं दे छे नेताजी सब, ये सब में अपने के केहन देख रहा छे अपने? देखो, सबसे पहले इस चैनल से जे अखन ये तमाम श्रोता भाई सब के हम नमस्कार कर चाहे छे। अखन के जे वर्तमान जे कोरोना के अवस्था के बारे में जे अपने हमरा से कहल, हम तो एक शब्द में कह, देखियो नेपाल कोरोना एक बहुत टाइम दिल्कि विश्व में एक अहा के प्रोप माने काफी छले, अहिए हिंदुस्तान में काफी भेले, लेकिन अहिठाम अहा के एक दूटा समय शुरू भेले। अहिठाम के प्रशासक और स्थानीय निकाय जहिया अहिया एकटा दूटा रहे अहाँ के नगर मात्रा में रहे, ये सब आदमी बुझे कि हिंदुस्तान में एकर प्रकोप बढ़ रहा है और नेपाल में आक्रमण करते, कैला तो नेपाल और हिंदुस्तान के संबंध है, इठा मोहना लोग कहे अठाम अहाँ के दैहिक लोग के संबंध है, आवत के संबंध है, अहाँ के नेचर के संबंध है, सब बुझे छे। अठाम एक बहुत मौका दिल्क कि तो सतर्क भज, तो व्यवस्था कर, शुरू में जहिया नहीं रहे अठाम एक दूटा रहे तो अठाम के प्रशासक एक हावरे तार से कोनो प्लानिंग कोनो एक प्लानिंग हो प्लानिंग कल जाए हावरे तार से स्थानीय सरकार कहियो और प्रदेश सरकार से मिलकर आ एक प्रशासक मिलकर अहाँ के लॉकडाउन कल्के और एक हुरदंगी टाइप में माने जथाभावी लोग तबाही के रूप में अहाँ के लॉकडाउन के शुरुआत कल्के। लेकिन अखन देखल जा अखन गाम गाम लोग राति में लोग नींद नहीं भ रहा है, हिंदुस्तान में एकर संख्या बहुत बढ़ी गेले और 2 नंबर प्रदेश के हर जिला में ये दिन दुनी रात चौगुनी के रूप में कहियो केहन केहन राति में जो सुने छे दिन में आश्चर्य लगे है नी, ये अवस्था कह देने छे। एकर मात एकर जिम्मेवारी कहबे कि प्रशासक और स्थानीय निकाय की सरकार है वा प्रदेश सरकार कहो, अइ दूटा के गैर जिम्मेवारी चलते यहाँ की अवस्था मधेस के भ गेलिए। खास कर ये मधेस से 2 नंबर प्रदेश छे, अब गॉड नोज एक ही छे है नी, अइठाम प्रशासक के देखै छिए यहाँ के माने एकदम अहाँ के माने अइ प्रदेश में एक आक्रमण जका, अइ स्थानीय सरकार छे ओकर वोटर छे, आइ 2-3 मास इस लॉकडाउन कलके चाहते तो हर गाँव में एक व्यवस्थित क्वारंटाइन व्यवस्था होते, और कहाँ छे यहाँ के हजार और 2000 लाख के संख्या में 10-20 के संख्या में और 50 के संख्या में लोग हिंदुस्तान से आइए। एक प्रदेश के तो होना है, इंडिया में रहे वाला के संख्या बहुत कम, बहुत कम चलिए अहाँ के एक माने हर गाँव गाँव पालिका में अहाँ के बहुत बढ़िया स्कूल है, ये बनाबू नहीं पड़ते, 2-4 कोर्टांत है, एकांत कोर्टांत मानी तो अंग्रेजी वर्ड है, एकांत बास कर के अहाँ के कुछ दिन अपना परिवार से अलग राख के है, आ ओकरा में की असर से देख के, और एक काज नहीं है अंदा के,
आ से नहीं कह के अखन देखल जाओ अस्त व्यस्त कर अखन एक लॉकडाउन करा चाहिए एक व्यवस्थित करा चाहिए हजमान सैकड़ों के संख्या में लोग इंडिया से आबि रहल छे और कतौ व्यवस्था नहीं है जत जत क्वारंटाइन है वही में जे बैसल हमरा तो एक साहब ने कह कि आइए जे धनसाब में आ दू नंबर प्रदेश में जे फैल लिए जे क्वारंटाइन के चलते क्वारंटाइन के चलते चलने क्या तो एक दूटा सफर अलिए आ पचासों के एकेटा बेड पर एकेटा लैट्रिन में एक ठाम खुआ के कोनो व्यवस्था नहीं है लोग के मने सटा के बैस के सुता के यहाँ के अधिकांश लोग सफर कल के सफर कल के मैंने जे बॉर्डर पर जे रोकल के आवे देवे नहीं दिल के ये सेहो एगो कारण है जे बढ़ले है से अच्छी देख लो आ बॉर्डर में की है अहाँ के खुलेआम ये सब कहते कि बास में इंडिया में इंडिया से जे आवे वाला छी ओहिठाम रहते ओहिठाम तो व्यवस्था रहते एकरा सब के अपना गांव पालिका के लोकलिटी में गांव पैंग बुला जेती लेकिन की कल ओहिठाम बॉर्डर पर घेर दिल्कि बॉर्डर पर घेर दिल्कि तो ये तो बॉर्डर कहाँ छै एहिठाम तो अपने के ओहिना खुलेआम छै गाँव घर छै एकटा आर छै हिन्दुस्तान में एकटा नेपाल में छै ओहिठाम लोग घेरै है तो लोग गाँव बाटे चोरी बाटे नदी बाटे अहाँ के प्रवेश हो गए अपना अपना गाँव में और बहुत अहाँ के लुकल अखन तो गाँव में जर हस्ती है जे एक पास में कैपेसिटी है वो बारे में कोई नहीं कहते कि तुहूँ गए लगे इंडिया वो बैसल है जो कमजोर आदमी है तेरा बारे में लोग पुलिस फाना चिंता लग लल्क ते दुआरे ये बॉर्डर जो सीज कल्क ये व्यवस्थित ढंग से करते लोग एकदम भय अत कि नहीं हमारा लोग ओहना अत अपने के जना उस अलै ये सब व्यवस्था करते गाँव पालिका क्वारंटाइन देते और गाँव पालिका के जिम्मेवार देते कि तो ये आदमी के तोरा व्यवस्था करे के हो खियाब के हो कोई में खियाब में कि ले तो मेस चला देते दू सौ से तो मान स्कूल में विद्यार्थी अहाँ के मान दू दू सौ के हॉस्टल में विद्यार्थी रहे और खिया भी छे एक छोट छोट मेस तैयार कर देते दस बीस महीना के लिए दिन में लोग मना से ओहिठाम अपन के अवस्था के देख लेते और जो रहते वही से फाइंड आउट भेते सफरर लोग के अगर ट्रीटमेंट करते जो सफर से अपना घर में जेते आ कोनो अहाँ के एहिठाम कठिनाई नहीं होते आ अखन जो लोग के जे एक बड़का हदम भ गेलै एहिठाम रात में नींद नहीं होइ छै आब कहब एक सब में एको आदमी एहिठाम सुरक्षित नहीं छै सबके होइ छै कि आब कखन हमरा की करब घर से निकलै छै लोग के शंका छै के अयलै है कहाँ से अयलै है कते लोग के लगलै है अखन पूरा माने अखन राखक चाहिए एकरा अखन माने अहाँ के लॉकडाउन के कम से कम तो भर जेठ अखन जो लोग इंडिया से अल तो 16 दिन या 21 दिन टाइम दे तो भैरो जेठ सब एकदम पूरा कड़ा निगरानी में राखि हर आदमी के व्यवस्थित कर देते ओहिठाम खाना के व्यवस्था बास के व्यवस्था टॉयलेट के व्यवस्था है नी आ वो में सब फाइंड आउट जो स्वच्छ आदमी अत गाँव जाए देते सफरे तो बात करते नहीं तो ये जो पहला ही जो लॉकडाउन कल के कर्मचारी सबके छुट्टी कर दिल्कि अब देख दिल्कि कत नाटक कल के लॉकडाउन के कर्मचारी के छुट्टी दिल्कि देखियो कि मान आक्रोश के लोग के कर्मचारी के छोड़ दिल्क है मान कर्मचारी के अहाँ के छुट्टी दे दिल के है ना स्कूल बंद कर दिल्क है नी सारा देश के जते निकाय छे सब के बंद कर दिल्क कर्मचारी विद्यालय और दर दुकान सब के बंद कर दिल्क लेकिन अखन देखियो अहाँ के खोल दिल्क अखन खोल दिल्क अखन लॉकडाउन के मतलब नहीं है जो अखन मान आप तो राहत दे रहा सरकार जनता के तो कुछ ना कुछ कर अब नाटक देख लो गाँव पालिका गाँव सरकार से देखियो अब कत से सरकार से मस्त है अहाँ प्रदेश सरकार से गाँव पालिका में बजट है गाँव पालिका अखन ऐसे पर साल के हम कुछ आवा चाहे कि पर साल सब अखार में शुरू कल के अब 15-20 दिन में करोड़ों रुपया के निर्माण में क कोई अहाँ के बखारा बनबे तो कोई रोड ढलान करे कोई कुछ करे एक कोई रेख देख वाला नहीं माने 15-20 दिन में ये सब करोड़ों बजट से दया है नी करोड़ों के भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार कोई देख वाला नहीं अखन आब ये जेठ मास जा रहा है आब अखन सुन कि आप कहे बजट नहीं है अखन प्रदेश सरकार 1,74 करोड़ के माने पेपर में देखलिए कि 74 ई उपभोक्ता समिति बना रहा है 1-1 करोड़ के लगभग एगारह पैसा है और ओकरा कहे 20 गत्ते अखार तक तो समाप्त कर
गाँव में एक टा बोकर वोटर छे, देश के नागरिक छे, है नी, जकरा अधिकार छे, पैसा ओकर छे, गाँव पालिका में ओकर पैसा छे, प्रदेश में ओकरा चाय के व्यवस्था, ओकरा रह के व्यवस्था में एकरा सब के अपने के नौ डिबिया तेल जड़े छे। लेकिन ये 10 दिन में ये सब करोड़ों कमाई के अब ये अपने उपभोक्ता समिति में आ ये लोग बुझे नहीं रहा थे कि उपभोक्ता समिति के ना बने छे। ये जते अपने गाँव पालिका के मेयर छे, वार्ड अध्यक्ष छे, ये सब बैस के वा नगर पालिका के कहू, वा प्रदेश के कहू, स्वयं प्रदेश के जिम्मे मंत्री है, प्रदेश के से मंत्री के काज सब ये सब अहाँ के पैसा अखन निकालत आ देखबे ये काल परसों में बजट भाषण होते, ये बजट निकालत, ये सब पैसा बाँटत और अपना आदमी के उपभोक्ता बनात और अपना आदमी ठेकेदार बनात आ काम से पहिने एक सबके निर्णय भाई छे एत रुपया हमरा तोरा दिए पड़त आ उक्तब काम करे छे। अभी अखनी अरबों का बने लगते भैया फाइनल भगल पूरा 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 कितने परसेंट मांगे छे मान रखी एक सबके तो पर साल जे सुन लिए कि 50% नहीं काम भेले या 50% ज्यादा अपने के या सब भेल 50% नेताजी सब लाले 50% लाल के 50% काम नहीं यहाँ के गांव में भेले शहर में भेले या प्रदेश में मंत्री के काम राखू ना आई था आप बहुत ठाम छे अखन तो काम भेल छे मंत्री सब के काम छे भेल करोड़ रुपए के काम कतो पोखरी में घाट बना देने छे वो आखार में बनेल के कतो घाट बनेने छे कतो दीवार के थान के घेरा देल के है नी और इस सब के इंजीनियर ओवरसियर एक भ्रष्टाचारी गैंग गैंग छे दू नंबर तो कहबे दू नंबर के दू नंबर नामों छे कोना नाम पड़ गेले है नी आ तमाम भ्रष्टाचारी के अपने के में एक गैंग सब बनेने छे शुरू से अंत तक के और इस सब वहाँ के सारा अर्थ अय रूप में खर्च करे छे। अब ओकर हाल पुनः जे गत साली सब जे अवस्था में खर्च कल के सह अवस्था फिर इस सब लाइव रहल छे और भैरवखंड में अखाई जेठ जा रहल छे अखाड़ के 20 गते के 15 दिन में सब करोड़ों के खर्च करते नहीं लेकिन देखियो जनता मर रहल छे अस्त व्यस्त छे कखन ककरा अय चपेट में पड़ते से ठेकना नहीं छे ककरो करो ध्यान नहीं छे कोनो उपाय नहीं छे प्रशासन के प्रदेश प्रदेश सरकार कहे छे 2 अरब रुपया खर्च भ गेल तो वो अब एक टा दो कोरोना में हां तो देखियो तो आश्चर्य छे ई 5-6 टा जिला छे यानी आहा के 200-300 आज कोई कोनो लाख क्वार्टर में आदमी पहुंच लिए यानी हजार हमरा वो है कि सब मिला उला के 4-5 हजार हर जिला मिलके उतबे होते है नी आप आठ जिला में कोई टाइम में वे 10,000 से संख्या ज्यादा नहीं अखन तक अलिए है नी लेकिन 2 अरब के माने दे कतई से पैसा खर्च के तो क्वारंटाइन तो मैक्सिमम ये गांव पालिका नगर पालिका बने मैं वो गांव पालिका बने के भोजन गांव पालिका दे छे है नी आ ये सब वहां के 2 अरब पैसा खर्च कल के है नी आ कहे छे ई में क्वारंटाइन में हमरा 2 अरब खर्च भेल ओहु से माने 2 अरब पैसा कत खर्च भ गेले हम तो मीडिया से कह चाहे छे कि अठाम के तमाम बुद्धिजीवी सबके अठाम जे अठाम के युवा सबके हम आग्रह करे चाहे छे कि वहाँ सब जै ठाव पर छे आप चेतनशील हो ई प्रदेश अहाँ के बर्बाद भ रहल है हमरा सबके एक तो ये देखियो ई नेचर के इको माने कोरोना का नेचर गिफ्ट कहियो दोसर हमरा सबके प्रशासक तेसर या स्थानीय जे सरकार कहै छी से ई 3 टा के ई एहन आक्रमण छै प्रदेश पर कि ई सब मात्र अहाँ के एकटा केना हम कमाएब हम दू ढौआ केना कमाएब तै के प्रयास में छै कतौ जनता बचे विकास होय कतौ से प्लानिंग छै कतौ प्लानिंग नहि छै आइ तऽ 2 भ रहल छै आइ बहुत माने एकटा मेजर मुद्दा उठ रहल छै कि अहाँ के लोक माने खाए के बिना क्वारंटाइन से भगल आज देखियो अन्न पानी के बिना बॉर्डर पर आदमी मर गए लेकिन ये 8 जिला में ये 2 अरब रुपया खर्च देखबे छे एक तो फिर आश्चर्य सुनै छी अखन में हम गारंटी नहीं छी अखन ये हॉस्पिटल में एक मशीन आयल है मशीन तो बहुत दिन से आबे छै जाय छै लेकिन आप कहे छी सही वाला जी सही वाला आयल है लेकिन हम अहाँ के वही के नजदीक के लोग सब के हमरा 2 दिन से कान भथा गेल बात सुनमा
सुनी छे ओकरा 50 लाख से ज्यादा दाम नहीं छे, लेकिन 1 लाख हम एहि में गारंटी नहीं कह सकते छे। हम सुनल अखन जे अखन र्यूमर जे उठल छे हॉस्पिटल के 1,30,00,000 के सुनी छे मशीन आयल छे। मशीनों गुणस्तरीय नहीं छे। डॉक्टर सब के हम डॉक्टर से ही कहे छे जे उनके भीतर में लोग काम करिए एते गुणस्तरीय मशीन नहीं छे, लेकिन ये मशीन के जे दाम ये सब देखल के ये अब ये कत तक सत्य छे ये अनुसंधान वाला विषय छे। तो अहू पर हम मीडिया से कह चाहे छे जे संबंधित लोग सब छत प्रशासनीय इकाई छत है ने हमरा त हम त अख्तियार के कह अइठाम दू नंबर प्रदेश में देखियो कि दू नंबर प्रदेश अख्तियार छे कि नहीं छे है ने। अइठाम भ्रष्टाचारी सीमा नहीं गेल छे, लेकिन अही नजदीक में बर्दीवास में अख्तियार के अपने के ऑफिस छे दुनिया के हल्ला भेले। लोग अख्तियार में विभिन्न ठाव से निवेदन पढ़ले, लेकिन अख्तियार कतौ नहीं टच कल। अभी की है अठाम और हर गांव पालिका के जे मेयर सब है एक तो बहुत आश्चर्य है कि हर गांव पालिका के वा नगर पालिका के अठाम जे अर्थ खर्च वा प्रदेश के कौन मंत्री सब सबके अख्तियार से संपर्क है, अख्तियार से संपर्क है। तो नेपाल में तो सबके पाइए चाहे ना, नेपाल में पाई चाहे, लेकिन अखन देश में देखो नेपाल के अखन जे ई जे शासन व्यवस्था छे एक अख्तियार के बहुत बड़का अहाँ के अधिकार भेटल छे, माने ई जे कंट्रोल करे के एक नियंत्रण करे के अख्तियार के जिम्मा छे। आर्थिक नियंत्रण करे के बहुत बड़का जिम्मा अख्तियार के छे। अई अवस्था में अई विपदा अवस्था में अख्तियार के चलक चाहिए कि जनता के जे रकम छे जे जनता मने लाइक का गलत काम में खर्च हो छे गलत बिल भाषा बना कर पेश कर छे अई में अख्तियार के हम जे हमर जे माने विचार है कि अख्तियार के चलक चाहिए। ऐसे क्यों होते कम से कम लोग के डर होते और यहाँ जे जथाभावी जे अपने के लोग खर्च में मातल छे पैसा कमाए में मातल छे विकास के नाम पर एक नाटक छे है एक कतौ निकाय छे कतौ डोरे नहीं छे। ओ पहले जी कम से कम पंचायती व्यवस्था के अपेक्ष उठे पंचायती व्यवस्था में कम से कम लोग राजा लोग के डर हो चलिए है कहीं ऊपर बिप नहीं कर देते, लेकिन अखन ये के तो कहे अखन लोग देखे छो गाँव में लोग कहे सब रजे भ गए एक राजा चल गए आ कि माने हजारों रजे लोग कहे छे अपना सब स्वतंत्र छे ककरो कोनो बना के भय नहीं छे कतौ ककरो माने डर नाम के चीज छे कि हम अहाँ के काज नहीं करबे हम ई काज करब कर चाही से कतौ नहीं छे अहाँ के चिंतन नहीं छे जथाभावी ऐसा तो अखन तक तो सह लिए गाँव पालिका कहू नगर पालिका कहू वा प्रदेश में कहू आ प्रदेश में तो देखे छे कि मंत्री छे मंत्री की बेटा छे मंत्री सेहो ये दू नंबर प्रदेश में मान लीड के करे छे मंत्री छे आ मंत्री के बेटा सारू भतीजा सब लीड करे छे सब लीड करे छे सब मंत्री के तो वह हाल है आ सब प्रदेश ऐ प्रदेश में कह रहा है सब मिलजुल के अपन बैठ रहा है ते दुआरे अखन हम ये कह चाहे छे आप जनता के ऐ चैनल से कि खास अखन जे तत्व माने अइठाम के बुद्धिजीवी कर्मचारी शिक्षक अखन विद्यार्थी सब गांव में गेल छथ और अखन तो बाहर से सेहो अइठाम के युवा सब लेबर सब आयल छथ हर आदमी के कि जे दू नंबर प्रदेश के अवस्था से बहुत नाजुक अवस्था छे आइए लोग के जान के सुरक्षा नहीं छे एहन बड़का अठाम जे अखन कोरोना के अवस्था भ रहल छे कि इजराइल और इजिप्त के बात विदेश से सुनै छे है ने अठाम अहाँ के ई वर्ड नहीं करक चाहिए भगवान के नहीं एहन होय है ने, लेकिन अठाम के जे अवस्था छे तो लोग के जान सुरक्षा में नहीं छे हर आदमी अटके छे तै दुआरे अखन जे बाहर से लोग अलिए गाँव में वही गाँव में क्वारंटाइन बना कर रह के व्यवस्था खाए के व्यवस्था और उचित तो हम कहब जो सफरर लोग छे तेकरा अगर हालत कमजोर छे तो ओकरा गाँव पालिका वा अखन के अठाम जो विपदा समिति छे ए जिला के छे से ओकरा माने उपचार करा कर और क्योर ओकरा घर में पठबो। दोसर जे अखन ये काज सब भ रहल छे अखन लोग मर रहल छे लोग कोरोना से तबाह छे
लेकिन सड़क बनब पर उतावल है, पोखरी के महार बनब पर अखन के अठाम के जो प्रदेश सरकार कहू आ सबसे उतावल है, कौन पोखरी के महार हम बना खोजे गाँव में, कौन पोखरी के महार बनब के है, कौन डिहबा के थान बनब के है, गाँव में के बीमार है, के बीमार है, ककरा अहाँ के वायरस आक्रमण कैने से कतौ खोज नहीं कि भल है, लेकिन ये सब अखनते से अहाँ के गाँव में है न शीर्षक सब खोल रहा है, जैठाम मान दीवार के थान हो तो पोखरी के महार हो धर्मशाला हो, और इस करोड़ों करोड़ रुपया एक सब ग्रुप बना कर जैमें ओवरसियर इंजीनियर अहाँ के नगर पालिका के जे कर्मचारी है तो और है न सब तो पहले कर्मचारिये चलिए है न सब तो सारा कार्य तैयार क का मेयर के हर हिसाब नहीं अब बहुत मेयर के, लेकिन सारा ही कर्मचारी हर हिसाब मिला के पाई पाई के हिसाब मिला के कंप्यूटराइज क के है न, और ये सब जो उपभोक्ता समिति जो बनबित सब पास करा के ये सब करोड़ों रुपया खाई है, ये केना रुकते है न, रुकना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश के आर्थिक अवस्था अठाम के विकास के अवस्था है से बहुत नाजुक होते, और अखन जे लोग के जान बचाव में नहीं खर्च क के गाँव के जे माटी में खर्च करे छे, बहुत भारी अन्याय छे, ते दुआरे गाँव के जे अखन लोग जीवते तो पड़ोस आ सड़क बनते मार पहले के प्राण बचते आपदा से लोग बचते तो पोखरी के महार आ डिहबार के थान तो बनते रहते जे टाइप के जे विकास भ रहा है तेमे सार्थक विकास कतेक जगह अपने देख देखल विकास सार्थक कहबे तो अखन जते होना तो धौआ खर्च आप जैठाम अठाम सबसे पहले की हो लोग विकास भेलै है कते रुपया के विकास भेलै है सड़क बनल है तो सड़क में कते लाख रुपया खर्च भेलै है से कतौ हिसाब नहीं है, डिहबार के थान बन गए डिहबार थान में कै लाख खर्च भेलै है तक हिसाब कतौ नहीं है, तो ओना तो स्वाभाविके है गाँव में माटी छे अहाँ के अहाँ के ग्रेवल राख दे है न दू नंबर ईंटा से अहाँ के चैनल कह दिल्क तो कुछ से चेंज बुझाई चे। लेकिन वास्तविक खर्च जे होवक चाहिए जत्ते प्रदेश के रुपया छे जत्ते गांव पालिका में रुपया के लिए आ वही रुपया के जे व्यवस्था से खर्च करते तो गाँव अही पाँच साल में गाँव के नक्शे चेंज भे जेतें, और एक मॉडल विलेज नेपाल में हमारा तरह कम से कम दू चुनाव में दस साल में हर विलेज भेती मॉडल विलेज है नी, आ अठाम जो लोग हजार के हजार जो बाहर जाए अपने के नौकरी करे ला है नी, आई दशा देखियो लोग के जाए नहीं पड़ते फिर बाहर के लोग ऐसे दस बीस साल पहले तमाम बिहार के लोग आबि के काम करे हमरा सबके अवस्था में कहे कि बिहार के लोग दुनू प्राणी धियापुता लग कर दू दू महीना तीन तीन महीना अठाम आबिक गुजर करे चलिए काम कर पड़े चलिए, लेकिन अखन देखियो आ बिहार के एक आदमी अठाम आबिक हम सब बिहार यूपी या माने सूरत आ बम्बई में हम सब जाए दशा, अगर अखन जे गाँव में जो बजट दिल्क उ पारदर्शी रूप में खर्च हो आ विकास के काम हो, अखन तो विकास कृषि चाहते ये सबसे पहले पेट में अन्न लोग के भ जाओ तो लोग होना विकास करते, लेकिन कतौ वहाँ के कृषि के विकास नहीं है, कृषि में कतौ नहीं है, शिक्षा अस्त व्यस्त है, स्वास्थ्य गाँव के अस्त व्यस्त है, लेकिन अखनी हुआ दीवार के थान तो दलान ई गाँव सब में विकास भेल आ हर गाँव पालिका में ये विशेष अहाँ के काज भेल आ इस में करो कर लाख नहीं करोड़ों के बजट हिसाब द के इसे हिसाब मिलल के ये, और वह कार्य में कि पुनः ये भर अखाड़ में प्रदेश सरकार से हो या ऐसा पर साल अहाँ के बिगड़ साल में पैसा नहीं दिल्क तो सब दुनिया के हो हवाला भेल पैसा बाँट दिल्क अहाँ के प्रदेश कैबिनेट शांत भ गए तो वह जो पर साल के अवस्था चलिए खर्च कर के सह अवस्था में सब लागल खर्च कर और अठाम के अर्थ के अस्त व्यस्त कर ते दुआरे हम एक शब्द में हमारा देखिए जो अवस्था है ये दून खास दूनो प्रदेश के और प्रदेश के एक अवस्था जो बिगले दू नंबर प्रदेश के अवस्था जो बहुत नाजुक अवस्था है अठाम के जनधन दूनू असुरक्षा में लोग कोरोना के
सब डरा गए ते दुआरे अखन तो कोरोना वायरस से लोग केना बचते अखन जे सफरर लोग तेकरा क्वारंटाइन बना के ओकरा केना सुरक्षित रखल जा और हर अखन जे गवर्नमेंट चाहते आई 2 अरब रुपया मान ले जाओ कहे खर्च बगल के 8 प्रदेश में 8 कोरोना हॉस्पिटल तैयार हो जाते चाहती तो लेकिन से नहीं ते दुआरे हम तमाम चैनल से श्रोता सबके आ जनसभा आग्रह करना चाहे कि जे गांव के लोग युवा वा बौद्धिक समाज यानी कर्मचारी सब आदमी ये पैसा गांव के पैसा हमरा सबके पैसा है जन सरकार के मेयर के उपमेयर के आ चीफ मिनिस्टर के पैसा नहीं है उ प्रत्येक नागरिक के पैसा है गांव में जो पैसा है वो पेन उपभोक्ता समिति बना कर खर्च करवाओ आ अखन जो विपदा है कोरोना वायरस वाला जे गांव में क्वारंटाइन बनल आ नहीं बनल तो ओकरा कोनो विद्यालय में बना कर वही गांव के गांव पालिका के लोग सफरर है तेरा ओठाम आन कर माने जो उचित उपचार कराओ सफरर आदमी है तेरा जो प्रदेश में हुए और कोनो हॉस्पिटल में उपचार कराओ और अखन जो लोग अस्त व्यस्त भगल से अस्त व्यस्त नहीं कह के है नी एक धैर्य धारण कह के हमारा सबके धैर्य सेहो राख पड़त धैर्य सेहो राख पड़त क्या तुम कहबे शारीरिक माने हार्ट अटैक का बीमारी नहीं होइ छे ये कोरोना वायरस नेचर छे अहाँ के लोग धैर्य धारण लोग जो साहस के रखो है नी कहीं सफाई में रहो डिस्टेंस दूरी के करो तो कंट्रोल होते है नी ऐ सब करे के लिए हम सब स्वस्थ रहते में स्वस्थ रह के रह के अस्वस्थ आदमी के स्वस्थ बनाब के छे और अखन जे हमरा सब के जे पैसा है नी जे तम हर आदमी ओ बजट पर ध्यान देब के छे जे गांव के बजट छे खर्च हो छे या नहीं हो छे त अहाँ के एठम अख्तियार छे मंत्रालय छे हम त कब हर गांव के युवा सब के ऐ चैनल से हम आग्रह करे चाहे छी कि देश अहाँ सब के भविष्य यहाँ के ई सब ऐ देश के कर्णधार यहाँ सब छी ई मेयर 2 दिन के चुनाव पद पर गेलिए कल वह फलनामा रहते वह फिर जीतते जनै है अठम प्रशासक है उ नौकरी करा आयल है यहाँ के 2 महीना में के सी डी ओ कत जेत एस पी कतौ जेत हम सब तमाम अठम के बौद्धिक समाज बुद्धिजीवी समाज युवा सब एक जही तही एक सजगता आन कर है एक कोरोना वायरस से हम सब केना बचब एक केना परास्त करब असहाय के केना ओकरा हम सब सहयोग करबे एको आदमी फील नहीं करे कि हम सब पैसा के अभाव में या दवा के अभाव में मर लिया है नी आई क्वारंटाइन में आई ये हम क्वारंटाइन में जहाँ के माल जाल जाकर लोग के थुन के रखने छे वही में वहाँ वहाँ सबके डिस्टेंस में बिछावन होबक चाहिए भोजन व्यवस्था होबक चाहिए टॉयलेट सफा होबक चाहिए ये सब अपना अपना गाँव पालिका में टाइम दो कर एक टीम बना कर हम खास चेतन समाज से आग्रह करे छी कि हम सब जही ठाँव पर छी ई बेटा हवा भग गए अहाँ डिस्टेंस ही नहीं सबके नहीं लगते लोग गलत लोग कहिए अहाँ स्वस्थ रहो अहाँ बढ़िया भोजन अखन करू अहाँ स्वस्थ रहो डिस्टेंस पर रहू तो अहाँ काम कर सकै छी ई अहाँ के अखन तो नहीं देते ई रहते ई कोरोना वायरस के अभी कुछ दिन रहते लेकिन हमरा सबके एक तरीका छे काम करे के हम सब तरीका से काम करब हमरा सबके कथू नहीं हैत लेकिन ये भ्रष्टाचारी के रोकू ई जखन गलत काम भ रहल छै प्रदेश में 2 नंबर प्रदेश में ई 2 नंबर प्रदेश के बदनामी है तमाम मधेसी के नाक ई सब खटा रहल है ई स्थानीय सरकार नहीं है ई प्रदेश सरकार नहीं है ई सारा भ्रष्टाचारी सब अखाड़ा है नी आई प्रशासक के देखियो हम खोल के कह चाहे छी हमरा 50 साल के अनुभव है प्रशासक के कोनो ममता नहीं छै कोनो ममता नहीं छै आई प्रशासक अबै छै अहाँ के कमाए अभी बात हमरा नहीं कह चाहे कि हम प्रदेश में छी अठाम से जे सी डी ओ एस पी धनसा से पूर्व ओकर संपत्ति आ धनसा जिला के बाद रिटायर हो मधेस प्रदेश से रिटायर तक संपत्ति आश्चर्य लागत अहाँ के आश्चर्य लागत के अठाम तो लोग बोलिए तपस्या के पशुपति के हे पशुपति एक चोटी हमरा अहाँ प्रदेश पठा दू तारे में पठाऊ मधेस में पठा दू पूजा करे अहाँ के देखू हम तमाम आई कह चाहे हम इस बालक नहीं चलिए लेकिन आप देखियो एक छोट से एग्जाम्पल छे कोनो गांव में कोनो डकैत अबे छे
तो एक गरीबो आदमी कहे हो चोरल लोग जगा दी छे। हम तो अहाँ सबके जगाब के लिए हम आई चैनल पर हमरा हम अलिए है नी ऐठाम के कोनो ममत प्रशासक नहीं मान उर्वरा भूमि है कमाई के दू नंबर प्रदेश है और मधेश के मधेश कोना अपना ठेकाने नहीं एत बड़का अपमान भेलैया। देखियो आई मधेश के नाम पर मधेशी के नाम पर एत बड़का नाटक कल के मधेशी पहाड़ के फिल्म कल के लेकिन देखियो नेता सब के एक ठाम मिल नहीं रहल छे एक ठाम अध्यक्ष समस्या नहीं छे ई सब आ के कमाई के ई सब राजनीति में आयले जरा कतो काम नहीं छले अखने एकरा सब के आर्थिक बहुत बड़का पैकेज मिल गेल ये ई सब खाए ता सब के देश तो कोनो मतलब नहीं छे। तेई दुआरे अपन गाँव अपने बचाओ अपना समाज के अपने रक्षा करू आ जे जत खास हम बौद्धिक समाज से हम आग्रह करे छी हम विद्यार्थी से आग्रह करे छी कर्मचारी से आग्रह करे छी अहाँ सब विद्वान छी अहाँ सबके माने पेपर फटा के अध्ययन करे छी गाँव में जो लोग तक एकदम किनका धैर्य ध्यान देवाओ और ये पैसा हमारे एकदम अहाँ के पैसा है वो मेयर के पैसा नहीं है ओकर बपौती संपत्ति नहीं है सुन ले वार्ड से कहे कोनो मेयर के वो बपौती संपत्ति नहीं है वो देश के पैसा है प्रदेश के पैसा है वो हर जनता के पैसा है वो में हमार अधिकार है वो केना काम होते वो महाराज एकटा वो तो कर्मचारी छे पहले और तलब देने छे कहाँ छे मेयर वो तो कर्मचारी वो तो कर्मचारी छे कर्मचारी देने छे तो काम कर जनता के द्वारा वो चुनल गए ते द्वारे इस सरकार के शब्द हमारा सब को भय हटा कर है ना प्रदेश के जान बचाओ अ प्रदेश इज्जत बचाओ आ खास कर दू नंबर प्रदेश पर जे गलत नजरिया छे ये देखिए सरकारों के साथ देखे छे सरकारों के देख देखे छे अहाँ चैनल सब में देखे छी मधेशी के घृणा कर रहा छी बहुत दुखक बात है ना हम सब अंतिम में छी अंतिम अवस्था छे के जेते के रहते कोनो ठिकाना नहीं छी लेकिन अखन काठमांडू के चैनल अ दू नंबर प्रदेश में अहाँ के विपदा अलै कोरोना वायरस के आक्रमण बढ़ी भ रहा है तो आश्वासन नहीं देख उ चैनल से देखे जो मधेशिया चूड़ा आ मिर्चाई केना खाई छे देखियो माने दुश्मनों विपत काल में आश्वासन दे लाला हम सब छी तो सब चिंता नहीं कर लेकिन अठाम के देखियो है ने जे केंद्र में बैसल है ने जे अपना के हमर देश है वो हो हमरे देश है नेपाल के सब हमरे सब रजिस्ट्री है ने से कहला सब आई मधेश के घृणा करे छे ते दुआरे हम सब आब उठू और आत्मबल अहाँ के सबल बनाओ अ प्रदेश में कोरोना केना हटते अठाम के लोग के सुरक्षा केना होते से जे जे ठाव पर जे ठाम छी हमने कब गांव ऑनर लागे छे जे जाई ठाम छी तही ठाम के सक्रिय भ जेबे त ओई गांव में क्वारंटाइन छे ओई ठाम के मेयर छे अगर मेयर नहीं करैए त हम यो कह चाहै छी अहाँ सब के अधिकार है ओई मेयर के घर घेरू ओई वार्ड अध्यक्ष के घर घेरू चल तो क्वारंटाइन में तो सामान दही हम भूखल छी वही है कि अहाँ सब कहियो कि है क्वारंटाइन में लोग भूखल छे क्वारंटाइन तो व्यवस्था कर ई संपत्ति तो नहीं संपत्ति हमरा सब के जनता तो कमजोर पड़ जाए ना सर। अब जनता देखियो जनता कमजोर छे जनता कमजोर हो अपने आत्मबल से लोग आत्मबल बना लो है ने तो हम राजा के लोग भगा दिल्क राणा के भगा दिल्क आ सब अहाँ के चाउरे भावरे सब काल के लिए कोई कहाँ के माने जमीन के ठेकेदार छलिए तो कोई ईटा भट्टा के ठेकेदार छलिए से सब अहाँ के पद में अहाँ के अधिकांश लोग तेहने जीतल छे सब तो बेपता भ जेतै अय लोग के आत्मबल कम भ गेल एक एक अभाव छे लीडर लीडर के अभाव छे देखियो मधेश में लीडर के नामे चीज नहीं छे आई कत छे सांसद तकलीफ लागत चुनाव में सब एत बड़का नाटक कल के मधेशी के नाम पर नाटक कल के लेकिन देखा जा दोनों प्रदेश में कोई सांसद छे एठाम आबि के कि कम से कम लोग आश्वासन देते शिव प्रशासन के कहते तक व्यवस्था अहाँ के लिए है अखन अहाँ के अठाम के वोटर अन बिनु मर गए तुरते नहीं मर रही है वो बहुत घंटा के बाद में मर रही है ने लेकिन ओकरा एक गिलास पानी देवे के लिए कोई व्यवस्था नहीं कल्के तो अठाम अहाँ के कहबे कि लीडर के अभाव है नेता नहीं है मधेश में नेतृत्व नाम के नेता के नेतृत्व नहीं है नेता जे नेतृत्वहीन है ओकरा नैतिकता नाम के चीज नहीं है नहीं तो नैतिकता रहते तब तमाम मधेशी नेता एक रहते एक अम्ब्रेला के नीचा में से बैसते
अखन एक अध्यक्ष छी अखन ज्वाइंट भेलिए ई तऽ फल फल कोई हेबे करते ई तऽ जनजात नहीं छै ई तऽ अहाँ के राज सिंहासन नहीं छै राजा भए जेतै अध्यक्ष तऽ कुछ दिन के लिए छै लेकिन देखियौ एकरा सबके अपन नाटक एकरा सबके अपनो मेल नहीं छै साझे जे वोट देने छै एक्चुअली देखल अबै छी हमर देश हमरा क्षेत्र के जनता कोन अवस्था मे ओहिठाम लोग कते आइ दर्जनो निकलि रहल छै कि ओकरा एतै अहाँ के गाड़ी से आबि कऽ घूमते क्वारंटाइन में जतिए तऽ ओकरा पकड़ते वायरस कते बड़का नाटक कर दिल्कि है ने ओ काठमांडू ओकरा नहीं पकड़े छै है ने आ अपना पकड़ लेते ओ का हम के एकटा गाड़ी में बैस के कम से कम साइडो से देख के हो कि केहन कहाँ यू करती तो बल होते अपना पार्टियों के लोग है नी लोग के हताश नहीं होते ते दुआरे एहिठाम नेता के अभाव में लोग हताश भ गेल है और नेता के होइ छै नेता कोई जन आकाश से चूको नहीं अबै छै नेता बोने छै परिस्थिति बनबै छै ते दुआरे एहिठाम के बौद्धिक समाज अखन तो अहाँ के आत्मबल कनी बलियो बना लो और मुँह से आवाज निकालो तो कतौ भ्रष्टाचार नहीं होते आ भ्रष्टाचारी फंसते ओ भ्रष्टाचार कहियो निकाय छै आ इएह अख्तियारे नहीं छै वर्दीवास के अख्तियार नहीं छै केन्द्रो छै मान लिया एकरा वर्दीवास छोड़ देते तो वर्दीवास छोड़ने एहिठाम के भ्रष्टाचारी के गुंजाइश भ जेतै दुनिया निकाय छै दुनिया निकाय छै ताहि दुआरे हम कहैत एहि प्रदेश के खास कऽ एहि चैनल से जते आदमी सुन रहल छी सबके आत्मबल बलियो बनाबे के छै सफा सुधर रह के छै डिस्टेंस अपन जीवन बिताबे के छै आ कम से कम अपना गाँव पालिका में जे सफर लोग छै जे कोरोना वायरस से पीड़ित लोग छै ओकरा सबके सुरक्षा देबे के छै आब कम से कम बहुत लाज मर्दो कूड़ा कि दू नम्बर प्रदेश में लोग अन्न के बिना मरि गेल गे कोनो गाँव में लोग अन्न के बिना दवा के बिना नहीं मरे अगर जे गाँव पालिका में लोग अन्न के बिना मरत पानी के बिना दवा के लोग थूक तो गाँव पालिका के धिक्कार छे तो कि तोरा रहत तोरा गाँव के लोग अन्न और पानी के बिना मरी गेल ये ते दुआरे हम कहब कि आब हर गाँव जे मेयर सब छी अहाँ कम्पिटिशन में आओ अहाँ की अवस्था से कम्पिटिशन अखन लोग कहत कि फलना गाँव के जे मेयर छे एते बढ़िया व्यवस्था कयने छै ई कहब आबा के अहाँ के अखन अहाँ तो एते जस के भागी के अहाँ के मौका भेले कि अहाँ के लोग प्रशंसा अखन करे एहिठाम तो कम्पिटिशन रहते कि फलना गाँव के मेयर एना कैलकि फलना गाँव के मेयर अपना जनता के एना कैलकि क्वारंटाइन के व्यवस्था कयने छै है नी ओहिठाम के ग्रामीण के व्यवस्था कयने छै जे गरीब छै है नी ओकरा खाय के व्यवस्था कयने छै ये बहुत बड़ा अहाँ के नाम नहीं हैत अगर एहन हैत तो अहाँ कोनो अहू दिन गिन रहल छी आब एक डेढ़ साल रहल है ने लोग बुझ रहले आ तेसर सुन लिया अगर घटना होते तो लोग अहाँ के उब रहले अगर लोग अन्न के बिना गाँव में मरते बीमारी से मरते तो काल कतो एहन अवस्था नहीं उखड़े कि मेयर सबके भागत अहाँ के जान बचबित मुश्किल होते हम यो संभावना देखलिए कि जैठाम लोग के आक्रोश बढ़े छे तो आक्रोश के ज्वाला बहुत खतरनाक होइ छे ओकर वेग बहुत बड़का होइ छे कंट्रोल नहीं होइ छे ते दुआरे एहन तक लोग आक्रोशित नहीं होए लोग शांत अवस्था में अपन जीवन बितबे एकटा बढ़िया व्यवस्था अहाँ सब गाँव में बना के कम से कम हम सब राष्ट्र छोड़ू ई दू नम्बर प्रदेश अपना गाँव पालिका के बचाओ ओहिठाम लोग राहत दियौ और ये बिगत जे भ्रष्टाचारी भेल गलत ठाँव पैसा जे खर्च होइ छै अहाँ के अपने लोग के उपभोक्ता समिति बना कर अपने लोग के ठेकेदार बना कर जे करोड़ों रुपया ये तो बहुत गलत तरीका छै कि उपभोक्ता समिति बना कर करोड़ रुपया खर्च ये के छै बनेने आप देखियौ जकरा देशे छै अखन हाथ में सब रखने जे मन होइ छै है नी ये काज नहीं होवे कहत अंत में हम माता जानकी से हमर प्रार्थना है कि हे माँ अहाँ के जन्मभूमि में लोग रोग से अन्न के अभाव में दुख से नहीं मरे ये अहाँ सब आशीर्वाद दियो ये कहत अपना दू शब्द के एहिठाम विश्राम देवे चाहे।